सलार मूवी तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। प्रभास के फैंस को तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, लेकिन जो एक जनरल ऑडियंस है, जो एक जनरल पब्लिक है, जो एक इंटरटेनिंग मूवी के तलाश में गई थी, वो पूरी तरह से इस मूवी से डिसअपॉइंट हो गई। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रभास की तरफ से आने वाली 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जो हर किसी को पसंद आने वाली है। एंड भाई लिटरली ये सारी मूवीज एक से बढ़कर के एक है। सबसे पहले प्रभास की तरफ से आ रही है कल की 2898 AD। ये एक साईफाई मूवी होने वाली है जो की हमारे महाभारत से इंस्पायर्ड होने वाली है। इसमें अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दीपिका पादुकोण भी उनके साथ देखने को मिलने वाली हैं, और इसको डायरेक्ट करने वाले हैं नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर नागा सिंह। मूवी का बजट 500 से 600 करोड़ होने वाला है। वैसे तो ये मूवी 12 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है, लेकिन ऐसे सोर्सेज हैं कि इसके VFX और CGI का बहुत सारा काम बाकी है, इसके वजह से इसको और डिले किया जाएगा। इसके बाद एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ प्रभास की एक बहुत ही वायलेंट मूवी आने वाली है। इस मूवी में वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल को प्ले करेंगे। इस मूवी का नाम स्पिरिट है एंड ये 2025 के लास्ट तक रिलीज हो सकती है। और भाई संदीप रेड्डी वांगा ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि जो लोग एनिमल मूवी देख करके ऑफेंड हो रहे हैं, उनका पता नहीं क्या हाल होगा जब वो एनिमल पार्क और स्पिरिट मूवी देखेंगे। तो बस इसी बात से क्लियर हो जाता है कि ये भी एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, बहुत ही ज्यादा वायलेंट मूवी होने वाली है, जिससे लगने वाली है भाई क्रिटिक्स की। तो मतलब आप इस मूवी से भी बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस को अपने सेट करके रख सकते हो। पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये वो मूवी होगी जो फाइनली सलार प्रभास का कमबैक करवा देगी। तो उसके बाद उनकी जो मूवी आने वाली है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को पता ही होगा खैर इसके बारे में। तो सलार 2 मूवी आ रही है जो कि प्रशांत नीली बनाने वाले हैं। पहले तो सलार मूवी अभी खत्म हो जाए, इससे फ्री वगैरह हो जाए, रिलीज हो गई है, लेकिन कुछ टाइम तक और इसके प्रमोशंस वगैरह जो भी होता है वो सबसे फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद KGF 3 पर वो काम करेंगे, और जैसे ही वो KGF 3 से फ्री हो जाते हैं तो ये सलार 2 पर वापस से काम करेंगे। इसके बाद सिद्धार्थ आनंद के साथ भी उनकी एक मूवी के लिए बातचीत चल रही है। अभी इस मूवी को पूरी तरह से अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे चांसेस है कि दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। अगर ये बात बन जाती है तो 2024 के लास्ट में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में इसकी शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये भी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। पांचवी मूवी जो प्रभास की तरफ से आने वाली है उसको हनु राघव पूरी डायरेक्ट करने वाले हैं। तुम लोगों ने सीताराम मूवी देखा होगा भाई, बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है, बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं वो, तो उनके तरफ से ये मूवी आने वाली है। एंड भाई मैं पर्सनली इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो ये वर्ल्ड वार पर बेस्ड है, इसको भी पैन इंडिया रिलीज किया जाने वाला है एंड इसका भी बजट काफी ज्यादा हाई है, मतलब बनाया जाएगा एकदम प्रॉपर पैसे वैसे खर्च करके। कनप्पा नाम से एक मूवी आने वाली है 2024 में, जिसमें कि प्रभास का एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। करीब 25 से 30 मिनट का उनका ये रोल होने वाला है, जिसमें कि वो शिवजी के अवतार में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैं पर्सनली इसके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पुष्पा मूवी के डायरेक्टर सुकुमार के साथ भी प्रभास की एक बहुत ही हाई बजट वाली मास एक्शन मूवी को लेकर के बातचीत चल रही है। अभी इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि दोनों एक साथ एक मूवी में काम करेंगे। और 8वें नंबर पर प्रभास की तरफ से एक अनटाइटल्ड मूवी है जिसको त्रिविक्रम डायरेक्ट करने वाले हैं। अगर तुम लोग को नहीं पता है कि त्रिविक्रम कौन है, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि अल्लाह वेंकटपुर मुल्लू को उन्होंने डायरेक्ट किया था, और भाई जनता गैरेज एक मूवी है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जूनियर NTR है उस मूवी में, उनको भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ है। तो एक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है जिनके साथ उनकी एक मूवी आने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में प्रभास का एक बहुत ही अलग लुक देखने को मिलने वाला है, जैसा कि हम फैंस को पहले कभी भी को नहीं मिला है। ये मूवी 2026 तक रिलीज हो सकती है। तो बस यार यही था आज के इस वीडियो में। आई होप तुम लोग को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। लाइक वगैरह कर दो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।